नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रवनीत बिट्टू ने रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ का दौरा करते हुए कई सुविधाएं दी हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां पर उन्होंने आपको आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। मतगणना के दौरान पर्याप्त सुरक्षा और निगरानी जरूरी है, खासकर उन गांवों में जहां करीब 10,000 मतदाता हैं। मीडिया के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी आज आम आदमी पार्टी की इस इंपॉर्टेंट प्रेस वार्ता कवर करने लिए पहुंचे हो। मेरे नाल साढ़े सारे आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप स्पोक्समैन चेयरमैन साहबान अज आए हैं। अज असी एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू दे लैके पंजाब स्टेट के इलैक्शन कमीशन पंजाब स्टेट के इलैक्शन कमीशन मिलकर आएंगे कि पंजाब के अंदर पंजाब दियां सरपंचां दियां पंजाब दियां पंचां दियां यानी कि डेमोक्रेसी दे लोकतंत्र दे सब तो छोटे अंग दियां इलैक्शन जिहड़ी आ वो पंजाब च कराइयां जा रही ने। हरेक 5 साल बाद प्रोसैस आ कि पंच चुनिया जाता गा सरपंच चुनिया जाता गा, क्योंकि इस बार इलैक्शन जिहड़ी आ वो 15 अक्टूबर नूं होण जा रही हैगी। सो उहदे संबंध दे विच असीं वफद जिहड़ा साडा आम आदमी पार्टी का वो इलैक्शन कमीशन नूं मिल के आएंगे। सब तो पहले आपको बताते चलें कि चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर मतगणना के दौरान पर्याप्त सुरक्षा जरूरी की गई है। और साथ ही आपको बताते चलें कि 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और जिसको लेकर चलें कि चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावरिंग का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में गुंडागर्दी का नंगा नाच चल रहा है और सरकार सो रही है। हमारे पूर्व विधायक कुलवीर सिंह जीरा पर हमला करना बेहद निंदनीय है। ये सीएम भगवंत मान सहित पूरी आप सरकार की विफलता है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन पुलिस अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ये सब किया है। समय आता रहता है और इसमें सबसे लिए जो जिम्मेदार है वो है, हम उसे नहीं बख्शेंगे। हम उन्हें जरूर सलाखों के पीछे डालेंगे। मैं हूं इस वक्त जलाना जा रहे हैं, पहुंचने वाला है जिथे वो अपनी पहलवान लड़की फोकाट लड़ रही है। मैं दस रहा हूं कि हूने हूने मैनु वीडियो मिलिया जिस विच जीरा साहब दे सट्टा लगियां साडे साबका एमएलए दे साडे छोटे भरा दे, और ए सारा कुछ पुलिस दी देख रेख दे थले हो रहा है। पंजाब दे डीजीपी साहब ते पंजाब दे लॉ एंड आर्डर दे एडीजीपी ते एसएसपी मैडम दी देख रेख दे थले हो रहा। एक डीएसपी आ उत्थे जिहड़ा ट्रालियां रोड़े दियां भरा के लेके आया, और दूजिया दे नाल उत्थों दी आम आदमी पार्टी दे लोगां दे नाल आया। मोहाली में ग्राम पंचायतों के आम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन एसएएस नगर जिले में सरपंच पद के लिए कुल 178 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए हैं, जबकि पंच पद के लिए 260 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया है।
आपको बताते चलें कि 178 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत किए हैं और ये पूरा मामला मोहाली से है, जहां पर 5 पद के लिए 260 उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव की डेट भी अब घोषित कर दी गई है, जिसको लेकर लगातार पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी हैं। एक सौ अठहत्तर उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत किया है और जिसको लेकर लगातार गुरदासपुर में सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, गुरदासपुर से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र मीत सिंह पहाड़ा डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। डीसी ऑफिस के कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हुई है। इस दौरान प्रताप बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, त्रिपत राजेंद्र बाजवा और वरिंदर मीत सिंह पहाड़ा डीसी गुरदासपुर से मिलने पहुंचे, जहां से हंगामा हुआ वहां से बाजवा ने प्रशासन और राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी की जा रही है और नामांकन पत्र भी दाखिल करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों ने से जो है वो तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। पूरा मामला पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां पर कर्मचारियों में से तीखी नोकझोंक का यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर जमकर हंगामा भी किया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पंचायत चुनाव को लेकर हंगामा देखने को मिला, लोग इकट्ठे हो गए। और साथ ही आपको बताते चलें कि वहीं पंजाब के फिरोजपुर से भी मामला सामने आया, जहां पर कई समर्थक भिड़ते हुए नजर आए हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने जा रहे थे, इस दौरान हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ गुरदासपुर में भी कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हो गई है, जिसके बाद में लगातार लोग हंगामा करते हुए नजर आए हैं। कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। 75 साल जेडी गवर्नमेंट बदलाव दे नारे ते आई सी कि असी चंगियां प्रैक्टिसेस पंजाब च लेके आवांगे। मैं समझना कि सारों नो वध जे गदर किसी गवर्नमेंट च मचे है तो वो इस प्रेजेंट सरकार च मचे। डेमोक्रेसी नू, लोक राज नू, जेड़ा सारों नो मुढ़ला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 70% ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। गुरदासपुर के एक गांव में सरपंच चुनाव को लेकर 2 करोड़ रुपए की बोली लगी है। ये बोली सरपंच बनने के लिए लगाई गई। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के गांव हरदोवाल कला में सरपंच पद के लिए 2 करोड़ की बोली लगाई जाने की चर्चा पूरे पंजाब में हो रही है। अब इस मामले में राज्य चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है और साथ ही
ऐसे अन्य मामलों पर आयोग नजर बनाए हुए है जहां रुपयों की संलिप्तता है। पंजाब के गुरदासपुर के हरदो वाल कला पंचायत के सरपंच पद के लिए 2 करोड़ की बोली लगाने का मामला सामने आया। पंजाब हाईकोर्ट ने भी, आपको बताते चलें कि यह पहुंच गया है, याचिका में से पंजाब स्टेट इलेक्शन एक्ट का उल्लंघन बताते हुए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। याचिका पर हाईकोर्ट ने वीरवार को सुनवाई भी करेगा। हाईकोर्ट के, आपको बताते चलें कि यहां पर पंजाब में कई जगह पर सरपंच के पद की बोली लगाई गई है। गुरदासपुर के हरदोवाल कला पंचायत के सरपंच पद से 2 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। याचिका ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है और साथ ही सरपंच के पद को बेचना पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए, हाईकोर्ट से मांग की गई और साथ ही चुनाव में बोली लगाकर कोड ऑफ कंडक्ट और पंजाब स्टेट इलेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कई जजमेंट हैं, इसका उल्लंघन किया जाएगा और साथ ही हाईकोर्ट इस याचिका पर वीरवार को सुनवाई भी करेगा और इन दिनों बोली लगाने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਐਵੇਂ ਛੇੜ ਛੁੜਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਵਨ ਵਾਂਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। खबर बटाला से है जहां पर तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंद दिया है। हादसे में स्कूटी सवार भूपिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 13 साल के एक बच्चे की इस हादसे में मौत भी हो गई है। दवाई लैन गए हैं, रविंदर सिंह दवाई लैन गए हैं, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲੜ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਾਲ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਮਾੜੇ ਹਾਈ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਬੋਲੋ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਦਾਦਾ। 7 ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੁੜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਘਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪੀਠ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀ ਵੇਖਣ ਡੀ ਉੱਤੋਂ ਨੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਪੈ ਗਈ।
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਗਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਤਾ ਘਰ ਦੀ ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਆ ਨੌਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਏ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਮੀ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ फिरोजपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रात के समय तीन नकाबपोश लुटेरों ने एक मेडिकल की दुकान को निशाना बनाया। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और साथ ही केमिस्ट एसोसिएशन ने सुबह दो घंटे मेडिकल की दुकानें बंद रखी। डीएसपी के साथ मीटिंग की गई, आश्वासन के लिए मेडिकल की दुकानें खोली गई हैं। ਵੀਰੇ ਕਸੂਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜੈਸ਼ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਵਹਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗੱਲੇ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਗੱਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਦੁਕਾਨ ਚ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ? 10 ਵਜੇ ਦੀ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ। लुधियाना के बंधा महल की ऊंची सड़क पर 100 साल पुरानी एक इमारत ढह गई है। इस घटना में एक महिला और उसका बच्चा घायल हो गया। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पड़ोस में रहने वाली सीमा नाम की महिला ने बताया कि यह इमारत कई दिनों से धीरे धीरे गिर रही थी। वहीं महेंद्र जैन ने बताया कि इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसमें 2-3 परिवार किराए पर रहते हैं। उन्हें मौके पर ही राम चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पड़ोस में रहने वाले केवल कृष्ण ने बताया कि बिल्डिंग की मरम्मत के लिए बिल्डिंग मालिक को कई बार कहा गया लेकिन बिल्डिंग मालिक ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਠੀਆਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਓ, ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਹੁਣ ਹੌਲੀ 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 ਜਰਜਰ ਕਰਕੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। डीजीपी पंजाब पुलिस ने अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जालंधर में राज्य स्तरीय कानून एवं व्यवस्था बैठक की अध्यक्षता की। इसमें फील्ड अधिकारियों को मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और हिंसक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता, तकनीक आधारित निगरानी और तस्करों की संपत्ति जब्त करने पर जोर दिया गया। जलंधर विखे स्टेट लैवल क्राइम मीटिंग की गई, जिस सारे स्पैशल विंग्स के हैड, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ALTF, काउंटर इंटैलिजेंस, सारे जिले के SSP, कमिश्नर ऑफ पुलिस, रेंज ऑफिसर्स शामिल हुए। तो जी क्राइम की प्रायोरिटी सी वो डिस्कस की गए, क्राइम रिव्यू किया गया। तो स्ट्रीट क्राइम जे स्नैचिंग, रॉबरीज जड़ा है, एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स एट द पॉइंट्स ऑफ सेल, ए टॉप प्रायोरिटीज जी फील्ड ऑफिसर को दसिया गई। तो वेरियस मैकेनिजम्स ऑफ मेकिंग अवर एक्शन इफेक्टिव, ड्रग्स बजर्स की प्रॉपर्टीज़ में फोरफिट करना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना, तो पंचायत इलेक्शन के मद्देनज़र सिक्योरिटी अरेजमेंट्स टाइटन करने। सो एक कॉम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी रिव्यू, सिक्योरिटी ब्रीफिंग स्टेट लैवल क्राइम मीटिंग के। रवनीत बिट्टू ने रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ का दौरा करते हुए कहा कि क्यों ना एयरपोर्ट की तरफ यहां पर भी सुविधा हो, जिसमें चंडीगढ़ के लिए 462 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। यूपीए को देखें तो उस समय बात चलती थी कि उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, इसमें इच्छा शक्ति नहीं थी। जबकि एनडीए ने जिस तरह से फैसला लिया तो बेहद कमाल का रेलवे स्टेशन होगा। इसके साथ ही बिट्टू ने खासियत बताते हुए कहा कि एक तरफ पंचकुला है जिसमें कलागा ग्राम से जो रोड है वह साइड भी रेलवे स्टेशन के पास जोड़े, इसमें 30 लिफ्ट लगाई जा रही है। दोनों भवनों को जोड़ने के लिए पुल बनेगा और 72 मीटर बाय 80 मीटर होगा। आपस में दोनों बिल्डिंग को जोड़ेगा, जिसमें उस पुल पर देखने के लिए दिलकश नजारा भी होगा। साथ ही प्लेटफॉर्म पर भी डिजिटल स्क्रीन होगी, वहां पर बैठने से लेकर आराम करने के लिए रिटायरिंग रूम भी बेहद खास होंगे। 500 करोड़ रुपया लग रहा है रेलवे स्टेशन। आज मैं इतने डीआरएम साहब से सारे असि हमी सारा सर्वे इंस्पेक्शन करके आए हैं। इस तरीके का यार तुसी बहुत थोड़े कैमरे कवर किए होंगे, 462 करोड़ रुपया ये उत्ते लग रहे हैं वर्ल्ड क्लास। तकरीबन यदि मैं खासियत जरूर दसा, तुम हैरान होंगे जिहड़ा दो साइडां ने, उधरों पंचकूला साइड कह देंगे, इधरों आ चंडीगढ़, एड्डी वड्डी स्पेस। एक तो पहला राह की मैं गल दसा, जिहड़ा इधरों का राह आ रहा पंचकूले साइड भी, जिहड़ा अपना भवन बनिया जिथों राह आ रहा जी की ना उहदा, कल ही मैं लुधियाने गया, 500 करोड़ रुपया लग रहा। किसान मजदूर
के संयोजक सरवन सिंह पंडेर के नेतृत्व में जालंधर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने सरकार से साफ कहा 2021-22 का फगवाड़ा मिलकर जो है वो किसानों का बकाया भुगतान करेगा। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ 14 दिनार की राशि अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन अब किसानों ने सरकार के सीधे तौर पर 28 करोड़ रुपए किसानों को ब्याज सहित देने की मांग की है और साथ ही उनकी मांग है कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाए। ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਗੰਨਾ ਫਸਲ ਇਕੱਲਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ PCCB ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਲੈਸ਼ DC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ, ਜਿਸ ਮੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਹਰਦਾਨਵਾਲ ਗਾਂਵ ਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਕੇ ਲਿਏ 2 ਕਰੋੜ ਕੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ADC ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ SDM ਕੋ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ, ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ नंगल के SDM अनमोल ज्योत कौर ने आपको बताते चले कि कृषि पुलिस और साथ ही नगर काउंसिल का अधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारियों से बैठक कर पराली को आग लगाने से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जारी किए और इस बैठक के बाद में SDM अनमजोत कौर ने कहा कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि हर बार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की ठीकरा पंजाब पर फोड़ा जाता है और इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी किसान पराली को आग लगाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज की जड़ी मीटिंग रखी गई है वो स्टबल बर्निंग जो है इसमें रोपण के संबंध के रखी गई है, क्योंकि जो असं जानते हैं हूँ हार्वेस्टिंग का या फसलों की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। सो पिछले साल रोपड़ जिले ने काफ़ी वधिया परफॉर्म किया, काफ़ी वधिया कारगुजारी रही सी, साढ़े इतने अग लगाने के जोड़े इंसीडेंट से बहुत घट आए थे। सो सब तो पहला तो मैं एरिया के जोड़े किसान ने ते लोग ने उन्हों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इन्नी वधिया कारगुजारी दिखाई है अपनी आने वाली जनरेशन के वास्ते ते कुदरत दे वास्ते, उन्होंने ध्यान दे नाल जो है अपना काम किया है। तो नाल ही अज की जो मीटिंग है इस दे विच भी यही रिव्यू असी करांगे कि अगे जो है इस
गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर की ओर से भरिंडा के सरकारी राजेंद्र कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे प्रोफेसर ने कहा कि 1198 भर्तियों जो की गई हैं और साथ ही वो सरासर गलत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।